अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस अगर कहीं भी मिल जाते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं कि आखिर हमने किसको देख लिया। और खास करके उनके कुछ छपरी फैन होते हैं, जैसे हम हाल ही में देखते हैं, लोग पागलों तरीके भागते रहते हैं पर उनको कुछ हासिल नहीं होता है। पर इसी के बीच अगर आप कहीं खड़े हो और आप एक बॉलीवुड के पुराने एक्टर हो, पुराने कलाकार हो, और आपको कोई ओल्ड एज अंकल हाथ मार के साइड करके निकल जाए और आपको भाव तंग ना दे, तो भाई आपको कैसा लगेगा? और यही होता हुआ दिखा है। एक वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर कहीं पर खड़े हुए थे और वहां से एक अंकल गुजरते हैं। अंकल वहां से जब गुजरते हैं तो शाहिद कपूर को अंदर ही अंदर लगा होगा कि कहीं ना कहीं भाई मिलेंगे आकर, मुझे सब जानते हैं, हो सकता है सेल्फी भी ले लें। पर हुआ कुछ उल्टा, वो वहां निकले, उन्होंने दोनों हाथ से शाहिद कपूर को साइड किया और वो अपने रास्ते चले गए। और ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं चलो कुछ तो सिखाया अंकल ने, और अंकल से सीखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मुंबई में ऐसे कलाकार रोड में, रोड के किनारे में, या फिर बात की जाए कहीं स्टूडियो में दिख जाएंगे। आप पागल हो गए, उनके ही भाव बढ़ाओगे, क्योंकि जो इंसान कलाकार बना है वो कलाकार ही बना है, उसको कलाकार ही रहने दो। उसको भगवान बनाओगे अगर आप, तो डेफिनेटली वो सर पे चढ़ के बैठेगा। और अगर आप उसको सर पे चढ़ा के बैठाना चाहते हो तो आप उसको जितना भाव दोगे वो आपके उतने सर पे चढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप अगर किसी के फैन हो डेफिनेटली आप उससे जाके मिलो, पर ये नहीं कि आप पागल हो जाओ। और ये चीज़ें आज दिखाई हैं कि आखिरकार ये शाहिद कपूर वही हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक आईफा अवार्ड में ये बोला था भाई साहब कि ये क्या नाम है सुशांत सिंह राजपूत, जहाँ पर शाहरुख खान साथ में खड़े थे, और उस समय सुशांत सिंह राजपूत की कितनी ज़बरदस्त बेइज्जती की गई थी ये सब जानते हैं, ये कोई भूला नहीं है। और शाहिद कपूर की फिल्में लोग पहले देखते होंगे, पर अब उनकी फिल्में लोग कितना देखते हैं ये शायद वो खुद भी जानते हैं, और ख़ास करके वो लोग भी जानते हैं जो इनकी फिल्में आने के बाद बायकॉट की मांग करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार आज के वक्त में लोगों को अगर ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अगर आपकी रेस्पेक्ट ही आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप अमीर हो गरीब हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एक ओल्ड एज अंकल जो वहाँ से निकल के जा रहे हैं, अगर वही नहीं रुक के पूछ रहे हैं भाई साहब एक हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं आपका, तो समझ आ रहा है कि आखिरकार आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है। और इस पॉपुलैरिटी को दोबारा पाने के लिए मुझे लगता है कि सुशांत के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाई जाएगी तो मुझे लगता है ये बायकॉट गैंग रुकने वाली नहीं है। सुशांत को आज भी कोई नहीं भूला है, जरूरी नहीं कि जो चीजें टीवी में नहीं दिखाई जा रही है, न्यूज में नहीं दिखाई जा रही है तो लोग भूल जाएंगे। सुशांत के फैन शायद मुझे लगता है कि आज और बढ़ गए होंगे। सोशल मीडिया खोल के देखिए, ट्विटर खोल के देखिए, आज भी सुशांत के लिए आवाज उठाने वाले करोड़ों लोग हैं, उसके जस्टिस के लिए बात करने वाले करोड़ों लोग हैं, और वो शायद कभी कम नहीं होने वाले हैं। जिनको ऐसा लगता है वो शायद अभी भी गलत फहमी में जी रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।